मैंने ये आलू की टिक्की या आलू भल्ला जो आगरा की मशहूर चाट है उसे बनाने जा रही हूँ। और उसको बनाने के लिए मैंने आलू को उबालकर छीलकर उसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के पश्चात हम इसको इसमें हम दो कटोरी आज जैसे हमने दो कटोरी आलू लिया है तो उसमें एक कटोरी अरारूट हमने इसमें मिक्स करेंगे। और अगर अरारूट ना मिले तो हम दो चम्मच चावल का आटा और दो चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाकर और हम इसको आलू में मिक्स आलू में मिला सकते हैं और इससे ये ऊपर की अच्छी बाइंडिंग तैयार हो जाती है। ये हमने ऊपर की क्रस्ट तैयार की है। अब हम अंदर की फिलिंग के लिए देखिए हम क्या करते हैं। अंदर की फिलिंग के लिए हमने दो बोल क्रश्ड आलू लिए हैं और उसके साथ हमने एक हाफ बोल बॉइल्ड पीस, हाफ बोल कैश्यू पीसेस, अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला, एक हरी मिर्च और हरा धनिया महीन काटकर इन सबको आपस में हमने मिक्स कर दिया है। और इस तरह से हमने ये फिलिंग तैयार कर ली है। और अब हम हाथ में पानी लगाकर थोड़ा सा अरारूट वाला पेस्ट हाथ पर फैलाएंगे और उसके अंदर जो फिलिंग जो हमने तैयार की है उसको फिलिंग को भरकर और धीमी हाथ से हम उसको दबा देंगे और दबाकर उसको चपटा करके धीमी गैस पर गैस को जला देंगे। और गैस को जलाकर हम घी को डाल रहे हैं और इस ये देखिए इस तरह से हमने ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। और इस टिक्की को सेकने के लिए हम बिलोना देशी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें इस टिक्की का अच्छा स्वाद चाहिए तो हम बिलोना देशी घी में ही इसको बनाएंगे। और घी डालकर हमने इस टिक्की को चपटा करके मीडियम गैस पर हम इसको सेक रहे हैं। और इसको सेकने के पश्चात इसको हमने धीमे उसे पलट कर इसको अच्छी तरह से दबा दिया है। और देखिए इस तरह से ये सिक्कर बिल्कुल एकदम लाल हो चुकी है। और अब हम जब ये लाल हो जा रही है तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और इस तरह से अब हम प्लेट में हमने इसको सेकने के पश्चात प्लेट में निकाल लिया है। हरा धनिया की चटनी रखी है और लाल मीठी चटनी है और इसके साथ ही हमने इसके ऊपर अदरक डाल दिया है। कुछ लोग अदरक पसंद करते हैं, कुछ लोग अदरक नहीं पसंद करते हैं और कुछ लोग नींबू पसंद करते हैं, कुछ लोग नींबू नहीं पसंद करते हैं। तो ये आप अपनी अपने स्वाद के अनुसार आप जो भी डालना चाहें आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारी आलू टिक्की या आलू भल्ला हमारा सिक्कर खाने के लिए तैयार है। हमने यहाँ पर रूट बाइट्स का बिलोना घी इस्तेमाल किया है और ये एकदम प्योर ऑर्गेनिक घी है। और हम अगर आपको अगर ये ख़रीदना हो तो आप रूट बाइट्स की वेबसाइट www.rootbites.com पर देख सकते हैं और यहाँ से ख़रीद सकते हैं और या कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं।